दोस्तों, कभी कभी बॉलीवुड की आने वाली किसी फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है मेरे भाई कि इससे तो अच्छा था कि ट्रेलर की जगह पूरी फिल्म को ही दिखा देते। तो भाई कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड के छोटे नवाब और रानी की आने वाली अगली फिल्म यानी कि बंटी और बबली 2 के ट्रेलर के साथ में। तो भाई कैसा है इस फिल्म का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान और लाखों दिलों की रानी यानी कि रानी मुखर्जी की आने वाली अगली फिल्म बंटी और बबली 2 के ट्रेलर से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया ये फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमाघर में, इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकार कौन कौन से हैं और भाई इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं वरुण शर्मा और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और सरवरी। और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले हैं भैया हम सबके बिहारी बाबू यानी कि पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए मैं बताता हूं कि भैया ये फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। वैसे तो दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दी है कि भैया ये फिल्म अगले महीने की 19 तारीख को सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी यानी भैया 19 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघर का रास्ता तय कर ले। अब चलिए भैया हम बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की। तो भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको मेरी वो बात समझ में आएगी जो कि मैंने शुरू शुरू में आपसे कहा था कि भैया इससे तो अच्छा था कि पूरी फिल्म को ही दिखा देते ट्रेलर में, यानी कि भैया ट्रेलर में इस तरीके से सारी चीजों को हम लोगों के सामने खोल कर रख दिया गया है जिसको देखने के बाद आप भी ये कहोगे कि भाई पूरी कहानी को ही खोल दिया गया है इस ट्रेलर के माध्यम से। यानी कि जब आप इस ट्रेलर को देखोगे तो आप ये पाओगे कि बंटी और बबली अब नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं। यानी कि भैया बंटी जो है वो बन चुके हैं राकेश त्रिवेदी और वो ट्रेन में टीटी का जॉब करते हैं, तो वहीं पर बबली जो है वो बन चुकी है विम्मी त्रिवेदी जो एक बहुत ही अच्छी हाउस वाइफ है। यानी कि भैया इनकी एक स्वीट सी फैमिली है और वो अपने स्वीट सी फैमिली में काफी खुश हैं। लेकिन भैया इससे पहले कि इनकी खुशी आगे बढ़ती कि भैया उनके खुशी में लग जाता है पोलिता बम यानी कि कोई और बंटी और बबली बनकर अब फिर से दुनिया को ठगने लगता है। और भाई जब वो लोग दुनिया को ठगने लगते हैं तो भैया दुनिया को ये लगने लगता है कि भाई जो बंटी और बबली खामोश हो चुके, यानी भैया उनका जो पिछला इतिहास था जो कि अब पीछे चला गया था वो फिर से एक बार सामने आ गया है। यानी कि दुनिया को यही लगता है कि भाई ये लोग दिखावा कुछ और कर रहे हैं लेकिन अंदर से वही काम कर रहे हैं जो कि ये लोग पहले से करते आ रहे थे। और इसी वजह से पंकज त्रिपाठी जो हैं इन लोगों को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ तुम लोगों ने ये जो कांड अभी किया है उसके बारे में। और उसके बाद बंटी और बबली को ये बात पता चलता है कि भाई उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं लेकिन उसके लिए उनको सजा मिल रही है। और उसके बाद वो इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारे ब्रांड हमारे नाम का इस्तेमाल करके कुछ लोग दूसरों को ठग रहे हैं तो भैया हम इन ठगों को पकड़ेंगे। यही इस फिल्म की कहानी है मेरे भाई। यानी कि यहाँ पर जो असली बंटी और बबली हैं वो खामोश हो चुके थे लेकिन यहाँ पर जो नकली बंटी और बबली हैं यानी कि सिद्धांत चतुर्वेदी और सरवरी वो बंटी और बबली यानी कि भैया सैफ अली खान और रानी मुखर्जी का नाम लेकर दुनिया को ठग रहे हैं। और भाई ये जो असली वाले बंटी और बबली हैं वो पीछा करेंगे पूरी फिल्म में नकली वाले बंटी और बबली की। और भाई इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी जो हैं वो अमिताभ बच्चन का वो किरदार निभाएंगे जो कि भैया पार्ट वन में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो दोस्तों यही कहानी है इस फिल्म की और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो पूरी कहानी हम लोगों के सामने खुलकर आ गई है। अब देखने वाली बात यह है भैया कि कहानी तो बहुत ही सीधी और सपाट है लेकिन इस फिल्म का ट्रीटमेंट किस तरीके से तैयार किया जिसको देखने के बाद हम ये कह सके कि यहाँ फिल्म में कुछ नयापन था। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक सुझाव देना चाहूंगा अपने बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को कि भैया आपको सीखना चाहिए कि भैया टीजर को और ट्रेलर को कैसे काटना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही राधे श्याम का टीजर हम लोगों के सामने आया और उस टीजर को जिस तरीके से ऑडियंस के सामने रखा गया वो बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन था। यानी कि भैया सब कुछ कह भी दिया गया और भाई ऑडियंस को सब कुछ समझ में आया भी नहीं, यानी कि ऑडियंस की जिज्ञासा को पूरी तरीके से बढ़ाकर रख दिया है राधे श्याम के टीजर ने कि भैया इस बार डार्लिंग प्रभास क्या किरदार निभाने वाले और इस फिल्म की कहानी क्या होगी। और भाई ऐसे ही टीजर को काटना चाहिए जिससे लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़े। लेकिन क्या कहें भैया, हमारे बॉलीवुड में तो क्रिएटिविटी अलग ही लेवल की होती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।